बहुत ही धन्यवाद प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह जी होर दा जिन्होंने अपनियां विचारां आप सारिया नाल सांझियां कीतियां। समा बहुत थोड़ा रह गया है, आपां सारिया ने नगर कीर्तन दे राही गुरधामां दे दर्शन भी करने हैं। सो हुण मैं बेनती करांगा साढ़े बहुत ही माणियो जिन्हां दीआं सेवावां दे हेठ छाया आपां सारे इत्थे एकत्र होए, सारिया सहूलतां दे सरबराही करन वाले, सानू रस्ता देन वाले साढ़े चेयरमैन एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्टी बोर्ड जनाब सैयद हबीबुर रहमान गिलानी साहब के उस स्टेज ते आ अते अपने विचार संगतां नाल सांझे करन। जनाब सैयद हबीबुर रहमान गिलानी साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्टी बोर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब और वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब, मैडम शिजरा मनसब अली साबका MLA, अमीर सिंह साहब, ETPP की सारी टीम, जनाब राणा शाहिद सलीम साहब, सैफुल्ला डोगर साहब, साढ़े अमीर सिंह चेयरमैन PS GPC और साढ़े बाकी और बहुत सारे मेहमान, उस्मानी साहब साढ़े कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म साहब थे, और इंडिया तो दुनिया भर तो और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों तो आने वाले साढ़े जो मेहमान ने असं उन्होंने खुश आमदेद करने। इतने बहुत कुछ किया गया कि असी ताकि सेवा वास्ते असी ताकि खिदमत वास्ते साड़ी टीम ने दिन रात ही किया, जिदे च डिप्टी कमिश्नर साहब शामिल ने, जिदे च DPO साहब शामिल ने, मैं इन्हों का जिक्र करांगा, इन्होंने जेडे ने कम अज़ कम जोड़ा है वो मेरा ख्याल है कि पिछले एक महीने तो बहुत ज़्यादा जी मेहनत की है। ये सारा असं इस वास्ते कर रहे हैं ताकि तुसी बाकी चीज़ा भुल जाओ और सिर्फ अपनी मजहब दे, अपनी इबादत दे, अपने तुसी अच्छे वेले दे उते तुसी अपना फोकस करो, अपना वो उते ही तुसी ध्यान दो, ये बाकी सारे काम साढ़े ते छड़ दो, ताड़ी रिहायश का, ताड़ी ट्रांसपोर्ट का, ताड़ी सेहत का, ताड़ी तमाम बाकी मसाइल का हल असी इंशाल्लाह खुद करांगे। और मैं इन्हां नूं अमीर सिंह नूं भी और सारे दोस्तों मैं कहना कि जी तुसी माइनॉरिटी का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करो, करो तुसी माइनॉरिटी नहीं हो, तुसी साढ़े कंधे दे नाल कंधा लगा के खड़े हो और सानू ताड़े ते फखर है, ताड़े उत्ते मान। असी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जेडे ने तमाम इस जेडे सिखां वास्ते इकदाम किए जा रहे हैं उहदे विच सब तो ज़्यादा जेड़ा सानू जेड़ी हदायत ने जनाब वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ने और बारहा उन्होंने इस चीज़ का उत्ते सानू जोर दिता है कि भाई कोई जेड़ी चीज़ है साढ़े मजहबी जी वो रवादारी है वो उत्ते आँच नहीं आनी चाहिए और असी कोशिश कर रहे हैं कि तुहानू इतना खुश रखिए। मैं राणा साहब को अपनी टीम को सारियां को डोगर साहब को सैफ साहब को इन्हों मैं कहा कि मैं कह जी ऐसी इंशाल्लाह इतने अच्छे इंतजाम करो कि वो कहन के पिछली बारी तो जोड़ा ना वो नो बहुत अच्छा हो गया और असं ये तेरे को पूछा जान लग्या कि भाई तुम अच्छा असी कर सके या नहीं कर सके। कुछ चीज़ा असी जड़िया ने वो वक्त के नाल नाल असी उन्होंने बेहतरी वाले पास ले जा रहे हैं। पहली गल तो यह है कि पाकिस्तान दुनिया के वाहिर मुल्क है जिते तमाम जड़े यात्री आते हैं उन्होंने एक एक जरूरत का ख्याल हुकूमत पाकिस्तान खुद रखती है। तुहानू किस इन्हों का रहना सहना खाना पीना ट्रांसपोर्ट, बल्कि मैं अज जिस वे विजिट कर रहा सन तो मैं एक कहानी साढ़े एक अफसर ने कहा कि इतने जोड़ा ना वो लंगर एडा शानदार है कि ये होर किसी देसी घ्यो के खाने पका के तुम खवाए जा रहे हैं तो तुम ये जो सा खास तौर पर हिंदुस्तान से दूसरे ममालिक तो लोग तशरीफ लियाए हो तो तुम्हें असी अपना समझने कि तुम जो वे वापस जाओ तो तुम जाके गवाही दो कि पाकिस्तान के तुम अपने मुल्क नालों अपने घर नालों ज़्यादा सहूलत दिखाई गई ने। बहुत सारिया चीज़ा असी नाल नाल कर रहे हैं, सानू पता है कि जेडे बेशक असी मार्किटां लगाइया ने टेंट लगाए ने लेकिन असल रहन का जरा अच्छा इंतजाम है कमरिया के चाहता है।